सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक घटना को लेकर लोग थाने के बाहर धरना करेंगे। जानकारी के अनुसार खिमवादी गांव में करीबन 17 दिन पहले दो महिलाओं की गाड़ी से टक्कर होने का मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद घटना से नाराज धांची महासभा के आह्वान पर समाज बंधु थाने के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही लोगों ने आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की भी मांग उठाई है। दोनों महिला है, उनको कुचला गया है और उसमें एक महिला की कल मृत्यु हो गई है, जो सुमेरपुर मोचरी में रखवाई गई है। और दोनों महिलाओं को मुख्यमंत्री से ज़्यादा सहायता मिले और जो महिला की मृत्यु हुई है उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। और जो जानबूझकर ये घटना घटित हुई है उसको उसके खिलाफ दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और नहीं होने पर हमारी समाज और भी इस धंधा को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर हमारी मांग समय पर उचित टाइम पर पूरी नहीं हुई तो हम और आगे आह्वान करेंगे। हमारे 7 तारीख को खिमवंदी गांव में जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के अंदर एक हमारे सवजाति बंधु की कमला देवी की मृत्यु हो गई है, दुखद दुर्घटना हो गई है, उस दुर्घटना में निधन हो गया है। और उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुआवजा, सरकारी सहायता और उनके एक बच्चे को सरकारी नौकरी, और जो दोषी है उनको अधिक से अधिक कड़ी सजा और अति शीघ्र